राधे राधे भगवान जी राधे राधे अब हमने थर्टी थ्री लेसन इन लाइफ यू नीड टू लर्न हम पे हम ले रहे थे मनी विल नेवर सॉल्व योर रियल प्रॉब्लम्स पैसा जो है वो हमारी सब चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है कोई और मानसिक प्रॉब्लम है कोई और तरह की प्रॉब्लम है तो पैसा हर चीज़ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता हमें कम्फर्ट्स दे सकता है लिए चीज़ें बाय कर सकता है वो हमें सुख सुविधा दे सकता है पर हमारी मानसिकता को चेंज नहीं कर सकता सेकेंड पॉइंट है पेस्ट योर लाइफ मतलब अपनी जिंदगी में आराम आराम से मतलब ठीक उससे चलो डोंट रश कि भैया मुझे चीज़ फ़ौरन मिल जानी चाहिए तो उन्होंने बताया कि माली सींचे घड़ा रेतु आए फल होए धीरे धीरे होए सब बना धीरे धीरे ही सब होता है एक दिन में कुछ नहीं होता थर्ड पॉइंट है यू कांट प्लीज़ एवरी आप सबको प्लीज नहीं कर सकते आप खुद खुश होइए तो आप सबको खुशी दे पाएंगे पर सबको खुश करने की कोशिश मत करिए आप अपने से कहिए कि मैं आई इमोशन ऑफ लव मैं प्रेम का सागर हूँ और लव इज़ माई ट्रू नेचर लूइस ये कहती है वन मैन हैज सो मच लव इन इज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लानट अर्थ तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात को एक्शन में ही लाएं प्रेम का भाव रखें सबके लिए सबके लिए प्रेम का भाव रखें कि हम सब भगवान के बच्चे हैं वी आर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ गॉड सबके लिए भगवत भाव रखें सबके लिए शुद्ध भाव रखें बोर्थ पॉइंट है योर हेल्थ इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट कह रहे हैं हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है बच्चे आजकल सोचते हैं पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है तो एक्सरसाइज नहीं करते प्राणायाम नहीं करते अब अच्छे से खाते पीते नहीं हैं तो दे लूज़ देर हेल्थ और इफ़ यू लूज़ योर हेल्थ योर ब्रेन एंड बॉडी आर कनेक्टेड तो अगर बॉडी ठीक हेल्दी नहीं है ठीक उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले उसको हेल्दी हेल्थ वाइज अच्छी नहीं है तो आपका ब्रेन भी ठीक काम नहीं करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है आप अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए और जंक फूड ना खाएं, बेकार की चीज़ें ना खाएं। पर पर्याप्त भोजन लें पर्याप्त दूध दूध इत्यादि फल मेवा दाल सब्जी रोटी अच्छे से खाएं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी से रहे ताकि आप सब काम ठीक से कर पाए अपनी पढ़ाई लिखाई और जो लेडीज़ हैं वो अपना घर का काम और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट या छः महीने में एक बार ब्लड टेस्ट भी हो जाने चाहिए डॉक्टर को ज़रूरत हो तो उन्हें कंसल्ट कर लीजिए बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ क्योंकि इफ़ वंस यू लूज़ योर हेल्थ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक इट अप ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फिर फिफ्थ पॉइंट है यू डोंट ऑलवेज गेट वॉट यू वांट सो लाइफ इज नॉट वॉट यू वॉन्ट लाइफ इज़ वॉट यू हैव तो जिंदगी वो नहीं है जो हम चाहते हैं जिंदगी वो है जो हमें मिला है उसको हम इन, उसको उसका शुक्राना माने थैंक्स के भगवान इतना तो दिया इतना भी नहीं मिलता तो क्या कर लेते ट्राई डू योर बेस्ट एंड वॉट एंड इफ़ यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट देन बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट वॉट यू गेट सिक्स पॉइंट है इट्स नॉट ऑल अबाउट यू मतलब खाली जिंदगी में आप ही नहीं है द ब्रॉडर पिक्चर देखिए हम लोग क्या करते हैं हम सोचते हैं सिर्फ़ हम बस मैं हूँ और मेरे पहले कहते थे मैं और मेरा परिवार पहले तो लोग कहते थे भाई जॉइंट फैमिली में रहते थे एक पहले न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली तो जॉइंट फैमिली में रहते थे सबका ध्यान रखते थे माता पिता का सास ससुर का दरानी जठानी का सब बड़े प्रेम से रहते थे फिर न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई फिर मैं और मेरा परिवार अब मेरा परिवार भी ख़त्म हो गया अब सिर्फ मैं तो अबाउट यू अब आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने घर को साफ किया कूड़ा बाहर फेंक दिया मैंने खा लिया अब भैया तुम, तुम अपना ध्यान खुद रखो बच्चे बड़े हो जाएंगे तुम अपना ध्यान खुद रखो तो कह रहे हैं अब खाली मैं तक सीमित हो गया है तो जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं है जिंदगी जो है वो सबको साथ लेकर चलना या सबसे प्रेम से व्यवहार करने के लिए है और खाली मैं में मत जिए। सेवेंथ पॉइंट है देर इज नो शेम इन नॉट नोइंग कुछ नहीं आता से आई डोंट नो एक्सेप्ट एट पॉइंट है लव इज मोर देन अ फीलिंग इट्स अ चॉइस लव इज मोर देन अ फीलिंग इट्स अ चॉइस प्रेम जो है वो खाली फीलिंग नहीं है जैसे बच्चे होते हैं आजकल इन्फेचुएशन हो जाती है अरे मारा बड़ा प्रेम परे वो कोई प्रेम प्रेम नहीं है बोले प्रेम वो होता है जहाँ भी आप त्याग करते हैं चाहे आप सेवा करते हैं चाहे आप तपस्या करते हैं चाहे आप सहन करते हैं प्रेम में आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ती है कहते हैं ना मैरिज मेड इन हेवन ठीक है आपकी एक बार शादी हो गई वो भगवान ने डेस्टिन था वो व्यक्ति आपके लिए पर उसके बाद उसके बाद आपको रिलेशनशिप को निभाना पड़ता है फिर नाइन्थ पॉइंट है पर्सपेक्टिव इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग कह रहे हैं आपका नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है द वे आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस जैसा आपको आप सोचेंगे जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपको संसार दिखेगा आप कहते हैं संसार में सब बहुत अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे दिखेंगे आप कहते हैं संसार में सब चोर बदमाश है तो आपको चोर बदमाश दिखेंगे वट इज़ योर परस्पेक्टिव संत की दृष्टि होती है सब है ही भगवान वासुदेव सर हमारी दृष्टि क्या है फाइंड फॉल्स सब बहुत बुरे हैं सब बहुत खराब हैं दोष दृष्टि है, है या हमारी दृष्टि अच्छी है टेंथ पॉइंट इज पेशेंस इज अ अब पेशेंस क्या है कि हम किसी भी चीज़ का वेट कर सकें बिना फ्रस्ट्रेट हुए अरे बहुत मेहनत है अरे मुझसे नहीं होता अरे मैं नहीं कर पाऊँगा अरे बड़ी मुश्किल है अरे ये तो रोज़ वो करना पड़ता है रोज़ एक्सरसाइज कौन करे रोज काम कौन करे रोज़ खाना भी तो खाते हो रोज सोते भी तो हो तो ऐसे ही रोज़ काम भी करना पड़ता है और कह रहे हैं कि कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कोई भी आपको चीज़ें मीट करनी होती हैं डेडलाइंस मीट करनी होती हैं कोई चीज़ उतना अच्छा नहीं चल रही कोई बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा कोई काम उतना अच्छा नहीं चल रहा अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो कह रहे हैं कि पेशेंस इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल बिकम अ पेशेंट अब एलेवेंथ पॉइंट है योर कंफर्ट जोन इज़ योर एनिमी आराम बड़ी चीज़ें मुँह ढक्के सोई है किस किस को याद कीजिए किस किस को रोई है आजकल तो रजाई बहुत अच्छी लगती है सुबह अरे कौन उठे अरे कौन पढ़ने बैठे अरे कौन जप करे अरे कौन एक्सरसाइज करे अरे कौन सुबह सुबह नहाए अरे छोड़ो अरे सो जाओ अरे लाम बुला उसका बटन दबा दो तो बोले उस स्नूज बटन जो लोग दबा देते हैं वो लोग ज़िंदगी में जब ज़्यादा बढ़ा कुछ नहीं कर पाते तो सेवेंटी फाइव परसेंट लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और स्टडीज़ कहती है फाइव परसेंट लोग जो हैं वो ही कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर पाते हैं बट दे हैव टू लीव देयर कंफर्ट जोन अपने आराम का अपने मन के सुख का अपना त्याग करना पड़ता है तभी आप कुछ लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। अगर आप अपना सुख चाहेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते मेहनत करने के लिए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, वर्क, हार्ड वर्क। तो फॉर दैट यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन फिर ट्वेल्थ पॉइंट है बी द अर्ली बर्ड कहीं भी जाना है तो पाँच मिनट लेट पहुंचने से पहले अच्छा है पाँच मिनट पहले पहुंचे। अम्मा जी बहुत कहते थे हर हर जगह लेट पहुंचने से पहले अच्छा है पाँच मिनट पहले पहुंचे, बी पंक्चुअल और सुबह जल्दी उठना ज़्यादा अच्छा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज जो लोग हर जगह लेट पहुंचते हैं उन्हें लेट जाने की आदत होती है तो कह रहे हैं उनको वो बैक बेंचर्स कहलाते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं और दे के नॉट इन मीट इम्पोर्टेंट पीपल और जो आपका सुबह उठते हैं जो लोग उनको तो बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जो हम सुबह उठते हैं पाँच बजे वैसे तो तीन से छः ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वो टाइम जो होता है वो सब संत लोग उठे होते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उस समय हमारी ब्रेन जो है वो भगवान से कनेक्टेड होती है क्योंकि सारे संत लोग उस समय भजन जप कर रहे होते हैं हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा हमें उनकी वाइब्रेशंस मिलती है हमें उनका भाव मिलता है फिर आजकल लोग क्या करते हैं सुबह उठते हैं तो नहाने में ही घंटा लग जाता है तो सुबह जल्दी उठ कर मत नहाइए पहले ब्रश और शौच इत्यादि करके जब कर लीजिए कुछ पढ़ लीजिए और फिर नहा नहा धो के और काम करिए थर्टीन पॉइंट है स्टार्टिंग इज़ द ओनली वे टू मेक प्रोग्रेस जैसे हम सोचते तो बहुत कुछ रहते पर करते कुछ नहीं है सोचते तो बहुत कुछ रहते जैसे बहुत ठंड पड़ रही है चलो कंबल बांट देते तो सोचते ही रह जाएंगे गुरु कहते डू इट नाउ फ़ौरन करो डू इट इमीजिएटली उसको टालो मत करो सोचो मत करो बड़े लोग ज़िंदगी में सोचते ही रह जाते हैं तो क्या मतलब करना है तो एक बार थॉट मन में आया डू इट इमिजिएटली तो कहने जब तक आप कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे जैसे एक कोई चीज़ रखी हुई है तो फिजिक्स का लॉ कहता है अंटली यू अप्लाई फोर्स और नथिंग इट विल नॉट मूव तो यू हैव टू तो अप्लाई फोर्स तो ऐसे ही कोई चीज़ शुरू करने के लिए पहले अपने को प्रेरित करना पड़ता है हम सोचते ज़्यादा रहते हैं करते कुछ नहीं बस सोचते रहते हमारे प्लान्स बहुत होते हैं हमारा मन बहुत होता है हम चाहते बहुत कुछ करना है पर करते कुछ नहीं है तो गुरु कहते हैं मेक स्मॉल गोल्स जैसे अभी एक बात आई थी कि 93 परसेंट लोग जो है अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे नहीं कर पाते ओनली फोर फाइव परसेंट लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन्स पूरे साल तक फॉलो करते उसका रीज़न क्या है कि दे सेट बिग गोल्स थर्टी मिनट एक्सरसाइज थर्टी एक घंटा जब आई विल रीड हाफ एन आवर तो कह रहे हैं इतना बड़ा गोल नहीं आप कर पाएंगे शुरू में स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स टेन टेन मिनट्स टेन मिनट्स आई विल डू एक्सरसाइज टेन मिनट्स आई विल रीड समथिंग टेन मिनट्स आई विल राइट समथिंग मेक स्मॉल गोल्स और फिर उसका टाइम इंक्रीज करते जाइए टेक इट टू थर्टी मिनट्स टेक इट टू फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स जैसे कि मुझे पढ़ना है रोज़ कुछ एक पैराग्राफ पढ़ लूँगा एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं पांच लाइन पढ़ लूँगा गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा तो मेक स्मॉल गोल्स एंड देन इंक्रीज योर टाइम तो सोचते ही मत रहिए स्टार्ट करिए टेक एक्शन देन यू बी कंसिस्टेंट डू इट रेगुलरली एवरी डे ये नहीं आज एक्सरसाइज कर ली कल कर नहीं करी फिर फिर क्या होता है फिर मन बनारस उसमें आ जाता है रोज करना है करना है तो करना है डू इट एवरी डे कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर फोर्टीन पॉइंट इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एक बार मैंने किसी से पूछा कि आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल कौन से थे विच मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ आर द बेस्ट तो उन्होंने कहा प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट कितनी अच्छी बात है प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट कौन से पल अच्छे बचपन बहुत अच्छा था फिर जवानी बहुत अच्छी थी स्कूल डेज अच्छे थे कॉलेज डेज अच्छे थे तो चले गए पर प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट इन्जॉय एवरी मोमेंट आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए उसको इन्जॉय करके करिए प्रसाद पा रहे हैं अच्छे से करिए भोग लगा रहे हैं अच्छे से करिए एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छे से करिए कुछ भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं अच्छे से करिए प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में जो आप कर रहे हैं उसको सबसे अच्छे से करिए वही आपका बेस्ट मोमेंट मेक एवरी मोमेंट योर बेस्ट मोमेंट कहने जब आप पास्ट में रहते हैं तो डिप्रेशन होने लगता है और जब आप फ्यूचर में रहते हैं तो आपको एंग्जाइटी होने लगती है हाय क्या होगा हाय क्या होगा और पास्ट में जाते हैं तो डिप्रेशन होता है अरे ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया कहने लीव एवरी अगर आप पास्ट और फ्यूचर में ही जीते रहेंगे तो आप प्रेजेंट को मिस करते रहेंगे इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहिए फिर फिफ्टींथ पॉइंट इज बीइंग नाइस टू तो पीपल पेस अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको लौट कर मिलता है किसी के प्रति राग द्वेष काम क्रोध अहंकार मत रखिए किसी से द्वेष मत करिए किसी के पीछे के लिए गलत भाव मत रखिए मीठा बोलिए शुक्राना मानिए और प्रेम से बोलिए प्रेम से बोलिए मीठा बोलिए शुक्राना मानिए आ तो गुस्सा रहा है पर अपनी बात ठीक से कहना सीखिए अपनी बात को ठीक से कहना भी एक आर्ट है कहना जब आप बड़े उस पर हैं तो कहना तो पड़ेगा ही पर उसको ठीक से कहिए अगर आपको लगता है कि वो बात नहीं मान रहा तो उसको स्ट्रिक्टली और स्टर्नली कहिए पर चिल्लाइए मत फिर गुरु ने कहा बींग नाइस टू पीपल जो आप देंगे वो लौट कर मिलेगा लाइफ इज़ वेरी सिंपल वट यू गिव यू गेट बैक जैसे हमारे सत्संग में एक दृष्टान चलता है कि एक बार एक संत मांगने आए कंबल ठंड बहुत ठंड का टाइम था तो एक माई, माई ने तो बहुत अच्छा सा कंबल निकाल के दिया नया सा एक माई ने देखा कि अरे इतना अच्छा नया कम्बल ये तो हमारे का काम आएगा तो उसने एक कम्बल जो थोड़ा फटावटा सा था वो दे दिया फिर वो लोग दोनों एक बार कहीं तीर्थ स्थान पे गई हुई थी तो वहीं पर बहुत ज़ोर की बारिश आ गई और वो लोग सब भीग गए और उन्हें ठंड लगे तो उन्हीं संत का जिनको उन्होंने कम्बल दिया था उनका आश्रम पड़ा तो उन्होंने लाइट ज़्यादा थी नहीं तो उन्होंने एक को एक कंबल दे दिया एक को एक कंबल दे दिया तो जिस माई ने अच्छा कंबल दिया था उसको तो अच्छा कंबल मिला वही कंबल उनको लौट के मिल गया और जिसने माई ने फटा हुआ दिया था उसको फटा हुआ मिला तो हम जैसा देंगे दुनिया में वैसा ही लौट के मिलेगा तो सबके लिए प्रेम का भाव रखिए सबके लिए शुद्ध भाव रखिए आप कैसे बोलते हैं आप कैसे बिहेव करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भाव क्या है भाव मतलब व्हाट आर योर वाइब्रेशंस, व्हाट आर योर इमोशंस इमोशंस प्लस थॉट मेक वाइब्रेशंस। सिक्सटीन पॉइंट है सेट बाउंड्रीज सेट बाउंड्रीज में मतलब यू शुड नॉट बी अराउंड टॉक्सिक पीपल कह रहे जो लोग बहुत दूसरों की भलाई बुलाई करते हैं नेगेटिव बात करते हैं हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं दूसरों की दूसरों की बुराई करते हैं एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं उन लोगों को थोड़ा उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए आपके घर में ही बड़े बुज़ुर्ग हैं वो करते हैं आपकी मानिए सास हैं वो करती हैं या कोई और करता है तो उनको थोड़ी देर उनको समझा कर या कुछ कह कर उनसे थोड़ा दूर हो जाइए कह रहे टॉक्सिक लोगों के पास अगर आप ज़्यादा रहेंगे तो उससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी आपका ब्लड प्रेशर होगा हाई होगा आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा कह रहे अगर टॉक्सिक पीपल आपके चारों तरफ हैं ही और यू कैन नॉट अवॉइड देम तो जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं तो उसको लिमिट कर दीजिए कह रहे सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज विल पे यू इन द लॉन्ग रन पर सेवनटीन पॉइंट इज वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि आप जब हम लोग बहुत से लोग क्या करते हैं सारे टाइम काम ही करते रहते हैं बस काम 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 फिर अपने घर के लोगों को निग्लेक्ट करते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को निगलेक्ट करते रहते हैं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते रहते हैं तो उससे क्या होता है उनकी जीवन में उन... काम बहुत अच्छी चीज़ है पर उसके साथ साथ हमें जो हमें फैमिली मिली है जो हमें लोग मिले हैं उनके साथ भी हमें रिलेशनशिप अच्छी रखनी पड़ती है उससे प्रेम बना रहता है और प्रेम से खुशी रहती है जीवन में और आप खुश रहते हैं तो आपकी लाइफ लॉन्ग होती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली हैव टाइम फॉर एवरी थिंग अब इन्होंने कहा है कि बाय ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ एंड मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली यू विल बी अमेज्ड एट हाउ मच यू कैन अकम्पलिश इन लेस टाइम कह रहे हैं अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप कितना लाइफ में अचीव कर सकते हैं आपको खुद ताज्जुब होगा डोंट वेस्ट टाइम डोंट गॉसिप डोंट टॉक टू मच विथ फ्रेंड्स डोंट हैव डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ अगर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है अवॉइड डिस्ट्रेक्शन्स अवॉइड गोसिप्स अवॉइड टू मच टॉकिंग विथ फ्रेंड्स अवॉइड टू मच वाट्स एप दिज ऑल डिस्ट्रैक्शनस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक फिर एटीन पॉइंट इज़ लाइफ इज़ नाट फेयर जिंदगी इम्तहान लेती है है ना जिंदगी इम्तहान लेती है हमें ज़िंदगी में सब कुछ वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हमको लगता है कि भाई मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ मैं तो इतना अच्छा हूँ पर लाइफ ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे मिलना चाहिए था कह रहे लाइफ इज नॉट फेयर हमेशा हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिल पाता कह रहे इन द एंड आप देखेंगे कि जो आपको मिला है वो बेस्ट है। तो यू है जैसा हमारा कर्म है जैसा हमारा हिसाब किताब है उसके हिसाब से हमें लाइफ में बेस्ट मिला है सो ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा खुश रहिए शुक्राना मानिए कह रहे जब आपको ये लगता है कि जो भगवान ने मुझे दिया है वो बेस्ट दिया है जो मेरे पास है वो भगवान के बहुत शुक्राने हैं भगवान की बहुत कृपा है हमारे बड़े लोगों की बहुत कृपा है अगर आप इस लेसन को एक्नॉलेज कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी को अच्छे से जीने लगते हैं और आप देखेंगे ज़िंदगी में आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो आपसे ज़्यादा अच्छे से जीते हैं ज़्यादा पैसा कमाते हैं ज़्यादा नॉलेजेबल हैं पर आप देखिए कि मैं ज़्यादा खुश हूँ क्यों क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मेरे पास भगवान है मेरे पास ज्ञान है मेरे पास गुरु है। तो जिसका अपना जिसका अपने गुरु से संबंध है जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है नाइनटीन पॉइंट इज यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक यस आई कैन डू इट आसान है <laughs> तो गुरु कहते हैं कि जितना आप सोचते हैं आप कर सकते हैं उससे आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं एंड यू विल बी अमेज एट योर कैपेसिटी एक फिलोसोफर ने कहा कि एवरी स्पीशीज रीच टू दाइस्ट पोटेंशियल मे बी ट्रीज मे बी एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स हर स्पीशीज अपने हाइस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाती है सिवाय मनुष्य के क्यों क्यों मनुष्य बिलीव नहीं करता अपनी कैपेसिटी में मनुष्य वर्क नहीं करता चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं

तो प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए सोल्यूशन पे फोकस करिए कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए वर्ष टाइम में हिम्मत रखो हिम्मत करने वालों की हार कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कह रहे हैं हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है कोशिश करिए और आपको सक्सेस मिलेगा प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए हाई ये प्रॉब्लम आगे अब कैसे होगा अब कैसे होगा अब क्या होगा अरे मेरे से नहीं होगा मैं नहीं कर सकता पर भगवान को जोड़िए भगवान को प्लस करिए विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग अपने में विश्वास रखिए भगवान में विश्वास रखिए गुरु के समर्पित रहिए भगवान के समर्पित रहिए आप सब कर सकते हैं गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना